झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का हमेशा से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। बीते 20 वर्षों में जेपीएससी ने कुल 6 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की। शायद ही कोई ऐसा परीक्षा रहा हो जिसमें विवाद ना हुआ हो। जेपीएससी की तैयारी करने वाले युवा हमेशा ही खुद को ठगा महसूस करते हैं और लगातार आंदोलन भी होता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मोरहाबादी का बापू वाटिका मैदान तो जैसे जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही आवंटित हो गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो और उम्मीदवार यहां धरना देने पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में हम अब तक की जेपीएससी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की चर्चा करेंगे कि किस परीक्षा में कौन सी साल क्या गड़बड़ियां देखने को मिली और किसका क्या निष्कर्ष निकला। नमस्कार, मैं हुरानी और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड गठन के बाद वर्ष 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ था और वर्ष 2003 में पहली बार जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की थी। 20 वर्षों में हुई जेपीएससी परीक्षा पर कभी करप्शन पर विवाद हुआ तो कभी आरक्षण को लेकर। वर्ष 2003 में जेपीएससी द्वारा 64 पदों के लिए प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस वक्त डॉक्टर दिलीप कुमार अध्यक्ष थे। इसके बाद 172 पदों के लिए द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा ली गई। इसमें काफ़ी विवाद हुआ। आयोग के पदाधिकारियों, राजनेताओं व शिक्षा माफिया के रिश्तेदारों की नियुक्ति के आरोप लगे। जमकर पैसे की लेन देन, नंबर बढ़ाने तक के आरोप लगे। मामले ने तूल पकड़ा तो फॉरेंसिक जांच कराई गई। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रज्जी ने पूरे मामले की जाँच निगरानी को सौंप दी। इस प्रकरण में अध्यक्ष, 2 सदस्य, सचिव जेल भी गए। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने नियुक्ति को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच नियुक्ति घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और मामला की सुनवाई होने तक सभी नियुक्त लोगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके बाद आयोग में तीसरी सिविल सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए आयोजित की गई। इसमें कुछ अभ्यर्थी ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में मामला दायर किया। हालांकि कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और रिजल्ट जारी हो गया। आयोग द्वारा चतुर्थ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन 219 पदों के लिए किया गया। इसमें भी विवाद उठा। इस बार विवाद पीटी में अंक की गणना व उत्तीर्ण होने के आधार स्केलिंग को लेकर था। मामला हाईकोर्ट पहुँचा। हालांकि न्यायालय में रिजल्ट निकालने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जबकि मामला अभी भी न्यायालय में चल ही रहा है। इसके बाद पांचवी सिविल सेवा परीक्षा 277 पदों के लिए लिया गया। इसमें भी पीटी में आरक्षण देने की मांग को लेकर विवाद उठा। यह मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा। बाद में हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश। फिर छठी सिविल सेवा परीक्षा 326 पदों के लिए लिया गया, लेकिन इसमें भी पहले आरक्षण फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर विवाद उठा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 11 माह बाद हाईकोर्ट ने 7 जून 2021 को मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया। इस बीच आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी किया। इस परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर विवाद उठा। हालांकि बाद में सरकार ने उम्र सीमा में संशोधन कर परीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी। आयोग ने 2 मई 2021 को पीटी परीक्षा लेने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। आयोग ने स्थिति सुधरने के बाद नई तिथि की घोषणा करते हुए सरकार ने पीटी परीक्षा का सफल आयोजन किया। इस बार 7वीं से लेकर 10वीं तक की पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी से आप सब वाकिफ हैं। जेपीएससी उम्मीदवार लगातार पीटी रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और आंदोलनरत है। बीते मंगलवार को अभ्यर्थियों ने जेपीएससी दफ्तर के बाहर जमकर विरोध किया। इसमें भाजपा के कई विधायकों ने उनका पूर्ण समर्थन किया है और अब यह बात यहाँ तक पहुँची है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उनसे मिलने की मांग हो रही है और उन्हें आश्वासन दिया गया है। जेपीएससी के तमाम रिजल्ट की गड़बड़ियों के बारे में आपका क्या कहना है? आप देख रहे थे द फॉलो अप। धन्यवाद। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in